बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का जो है आंसर की आप सभी छात्र मिला लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस आप सभी को मैं कराने वाला हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ, रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, जीके जीएस का, सभी पोर्शन को जो है अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी का बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्योंकि क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन को ना ही हाई लेवल कह सकते हैं ना ही लो लेवल कह सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, क्वेश्चन का इस बार का क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस अभी आप सभी को मैं करा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पूरे क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं हिंदी करा देता हूं, क्योंकि हिंदी बहुत सारे स्टूडेंट करके आए होंगे और अपने अनुसार जो है वो चेक कर सकते हैं कितना उनका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ होगा, है ना, वो अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। पहला आप सभी का क्वेश्चन था कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन एक था कि लापरवाही से नुकसान होता है, ऑप्शन बी था कि तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, ऑप्शन सी कि काम करते समय उसकी पहचान करना, और ऑप्शन डी रूप पहचानना। तो जो छात्र तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ काम करते समय उसकी पहचान करना ये ऑप्शन लगाए होंगे तो उनका राइट ऑप्शन सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन था कि किस रस को रस राज कहा जाता है, किस रस को रस राज कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन का ऑप्शन था श्रृंगार रस, उसके बाद हास्य रस, उसके बाद उत्साह रस, उसके बाद वीर रस। तो किस रस को रस राज कहा जाता था, तो श्रृंगार रस को जो है रस राज कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन का अगर आप सभी लोग 23 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन लगाया होगा तो बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस को ही रस राज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन था क्या कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, चार था अधीन था, व्यवहारिक था, मिष्ठान था और अत्याधिक था। तो यहाँ पर अधीन होता है तो अधीन दिया था, व्यवहारिक गलत था, मिष्ठान भी गलत था, अत्याधिक न होके अत्याधिक होता है, एक जो है आकार जो है बढ़ा दिया है, तो ये वर्तनी सही होगा अत्याधिक का। उसके बाद दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट देवता लिखे हैं, दैवज्ञ का अर्थ जो है बहुत सारे स्टूडेंट देवता लिखे हैं जो कि ये गलत है। देवज्ञ का जो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिष, देवज्ञ का जो अर्थ होता है वो ज्योतिष होता है। फिर एक क्वेश्चन था आप सभी का, फिर एक क्वेश्चन था कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, तो वह लगा होता है क इक अक और अक था। तो लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय होता है वो अक शब्द का प्रत्यय लगा होता है, तो ये अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो ये भी आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, अगला क्वेश्चन कि त्रिफला में कौन सा समास होता है, क्रमधार, अव्ययी, द्वंद्व या द्विगु। तो आपको पता है कि त्रिफला में मतलब तीन फल, तो ये कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा द्विगु समास, मतलब संख्यावाचक समास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो विदेशज शब्द है, तो अगर आप लोगों ने विदेशज की ओर गए होंगे तो वो सही रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन था सवाल नंबर 29 के कि किस वाक्य में अपरदान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो आपने देखा होगा अगर आप लोग कारक चिन्ह पढ़े होंगे, अपरदान कारक से होता है, अपरदान करण से अलगाव होता है, तो चाकू से फल काटना, चाकू से जो फल का अलगाव हो रहा है, चाकू का फल से जो है अलगाव हो रहा है, तो अगर आप लोगों ने चाकू से फल काटा अगर ऑप्शन डाले होंगे तो ये सही हुआ होगा। फिर आपका था कमल का पर्यायवाची शब्द, एक था रजनीगंधा, एक था गुलाब, एक था मल्लिका, एक था अंबुज। तो कमल का पर्यायवाची सही होगा वो होगा अंबुज।